हम अष्टवक्र गीता पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय के सातवें सूत्र में अष्टवक्र कहते हैं कि एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्तर प्रायो असि सर्वदा अयमेव हीते बंधो दृष्टारम पश्य सीतारम। अर्थात आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, आप समस्त विश्व के दृष्टा हैं। आप कौन, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा। अष्टवक्र किसे संबोधित कर रहे हैं कि आप कौन है? दृष्टा क्या है? वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ठीक, दृष्टा को एक ही जानो, आत्मा परमात्मा साक्षी दृष्टा चारों एक ही हैं। तो दृष्टा अभी जो तुम बने बैठे हो उसकी तो बात नहीं कर रहे होंगे अष्टवक्र, फिर किसकी बात कर रहे हैं? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिसे अष्टवक्र कह रहे हैं कि आप दृष्टा हैं, तो ये आप कौन हैं, किसे वो संबोधित कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं, हमें अपने बारे में जो कुछ भी पता है वो हमें दूसरों ने बताया है। हम कुछ नहीं जानते अपने बारे में, हमें दूसरे बताते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। जैसे तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, खुश होते हो ना जब कोई तुमसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, किसी भी बात के लिए खुश हो जाते हो। उसी के साथ कोई दूसरा तुमसे कह देता है तुम बहुत बुरे हो तो तुम दुखी भी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना कुछ नहीं पता, तुम्हें सब दूसरे बता रहे हैं कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। कोई कह देता तुम काले बहुत हो यार, तुम बोलते बहुत हो, तो तुमने अपने आप को मान लिया कि तुम काले हो, तुम ज्यादा बोलते हो। किसी ने कह दिया तुम गरीब हो, तुमने अपने आप को गरीब मान लिया। किसी ने कह दिया कि तुम आदमी हो या औरत हो, तो तुमने अपने आप को वो मान लिया। किसी ने तुम्हें हिंदू कह दिया, तो तुमने अपने आप को हिंदू मान लिया। किसी ने कोई जाति दे दी, यही है ना हमारा हाल। चूंकि हमें नहीं पता अपना, तो बचपन से लेकर आज तक जिसने भी हमें जो बता दिया अपने बारे में, हमने वो स्वीकार कर लिया। तो इसको तो अष्टवक्र संबोधित नहीं कर रहे होंगे कि आप दृष्टा हो, क्योंकि आप कौन हो? आप तो मिथ्या हो, क्योंकि आप क्या हो? आप वो बने बैठे हो जो किसी और ने आपको बताया है, आप अपनी हकीकत तो जानते ही नहीं। तो अभी आप जो अपने आप को मान रहे हैं उसको संबोधित नहीं कर रहे हैं अष्टवक्र। निकालो अपनी कुंडली, क्या हो आप? मान लो आप जो भी हैं, लड़का लड़की आदमी औरत, ठीक है जो भी हैं आप, मैं अपने आप से स्वयं को माध्यम बनाकर देखता हूं अपनी कुंडली में क्या हूं। मैं लड़का हूं, ये मुझे दूसरों ने बताया। मैं किसी का पुत्र हूं, ये मुझे दूसरों ने बताया। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दोस्त हूं, यही हूं ना मैं। मैं कोई सी जाति है मेरी, मान लो वर्मा शर्मा धर्मा जो भी, कोई मेरा धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई वो होगा, मैं ये हूं। मैं भारतीय हूं, यही सब बना बैठा हूं मैं। कोई मुझे बहुत अच्छा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो अपने आप को अच्छा मानता हूं। कोई मुझे बुरा कहता है तो अपने आप को बुरा भी मान लेता हूं। फिर इसी द्वंद्व में फंसा रहता हूं मैं, अच्छा हूं कि बुरा हूं। हमारी समस्या ये है क्या, कि हमें अपना कुछ नहीं पता, हमें दूसरों ने बताया, पर दूसरे एक जैसा तो हमें बताएंगे नहीं। कोई हमें अच्छा कहेगा तो कोई बुरा कहेगा, कोई काला कहेगा तो कोई गोरा कहेगा, और इस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं, और वो हमारे लिए समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अपना नहीं पता। अष्टवक्र क्या कह रहे हैं कि आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और आप सदा मुक्त हैं, पर हम मुक्त नहीं है। पा रहे हो क्या तुम अपने आप को मुक्त? तुम तो भाई बने बैठे हो, तुम तो पिता बने बैठे हो, तुम किसी की माता बने बैठे हो, किसी की बहन बने बैठे हो, किसी की पत्नी बने बैठे हो, किसी के पति बने बैठे हो, हो क्या तुम मुक्त? अब ये बात ऐसे मत कह देना कि हम क्या रिश्ता तोड़ दे क्या। तुम्हारी बात की जा रही है, जो तुम हो वास्तविक, जो वस्तुतः तुम हो उसकी बात, पर उसको तुम नहीं जानते ना। तुम तो अपने आप को यही जानते हो ना जो तुम हो, कि तुम किसी को किसी के बेटे हो, और तुम अपने आप को वही जानते हो कि हाँ मैं यही हूं, उससे अलग तुम अपने आप को नहीं जानते। बात यह है, तो जो तुम अपने आप को जानते हो क्या सचमुच वो मुक्त है? नहीं है ना, वो बंधन में। पर अष्टवक्र क्या कह रहे हैं? अष्टवक्र कह रहे हैं तुम समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हो और तुम सदा मुक्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ
इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो बंधन में ना, ये जो बेटा बना बैठा है, जो किसी का पिता बना बैठा है, किसी की माता, किसी की पुत्री बना बैठा, ये जो है ना, ये बंधन में, पर जिसे अष्टावक्र कह रहे हैं वो मुक्त है। माने इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो बंधन में है ना, ये तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम कौन हो? तुम दृष्टा हो इसके, वो तुम हो और वो मुक्त है, वो बंधन में नहीं है। इससे क्या होगा? अगर तुम इस बात को समझो गहराई से, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बंधन में है ना, ये परेशान हो रहा है, तुम इसके परेशान होने से तुम क्यों परेशान हो? इसके बंधन में होने से तुम क्यों बंधन में हो? क्योंकि तुम जो हो वो तो मात्र दृष्टा है और मुक्त है, लेकिन बंधन में कोई और होता है, परेशान तुम होते हो। क्यों? क्योंकि जो बंधन में तुम अपने आप को मान रहे हो कि वह तुम ही हो, इसलिए परेशान होते हो। सारी बातों को ध्यान से समझना, एक एक शब्द को। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं। तो हमने कहा आप, आपका तात्पर्य क्या था? वो किसको संबोधित कर रहे हैं? जो आप बने बैठे हो इसको वो संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो जिसको संबोधित कर रहे हैं वो मुक्त है और सिर्फ दृष्टा है। वो कौन है, हम आगे उसको भी समझेंगे। अब बारी आती है, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है। तो इस समस्त विश्व, इस समस्त विश्व से क्या तात्पर्य है? समस्त विश्व का अर्थ है वो सारा संसार जो आपने बसा रखा है, वो सारी दुनिया जिसमें आप पूरे समय लिप्त रहते हैं। अब बताओ आपका संसार क्या है? आपका घर, परिवार, काम धंधा, आपका मन, आपके विचार, आपके अनुभव। अब क्या अमेरिका के बारे में तो नहीं सोचते ना आप, अगर वहां नहीं रहते हैं तो? ठीक है, आप जहां रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिनके साथ है, जिस संगत में है, उसी सब में तो आपका मन और तन उलझा रहता है ना। ऐसा नहीं कि पूरे संसार में घूम रहे हो। तो आपके संसार की बात कर रहे हैं वो अष्टावक्र। किसकी बात कर रहे हैं? समस्त विश्व माने आपका विश्व, आपका संसार जो आपने रच रखा है। आपने कौन सा संसार रच रखा है? अभी हमने बात की कि तुम किसी के पुत्र बने बैठे हो, किसी की पत्नी, किसी के पिता, किसी की माता, ये बने बैठे हो, ये तुम्हारा संसार है। कोई नौकरी तुम कर रहे हो तो तुम वो बने बैठे हो, किसी के नौकर या किसी के मालिक बने बैठे हो, ये क्या है? तुम्हारा संसार। इसी के साथ तुम्हारे बहुत सारे अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास संस्कार है, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मान्यताएं तुम पकड़ कर बैठे हो, ये सब क्या है? ये सब भी तुम्हारा संसार है। इस संसार की बात कर रहे हैं अष्टावक्र। तो मान लीजिए कि आप हो पुत्र और आपका ये सारा संसार है और आप इस संसार में उलझे हुए हैं और इसमें लिप्त हैं और आप अपने आप को उसके अलावा कुछ नहीं जानते। पर अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि आप जो हो ना, आप वो नहीं हो जो इस संसार में लिप्त है। इस संसार में कौन लिप्त है? इस संसार में तो कोई बेटा लिप्त है, इस संसार में तो कोई पत्नी लिप्त है। तुम पत्नी थोड़े ना हो किसी की, तुम बेटे थोड़े ना हो, तुम कौन हो? तुम ये जो सारा संसार रचा पचा है ना, ये जो उलझा हुआ है, तुम इसके दृष्टा हो और सदा मुक्त हो। फिर आगे ये कहते हैं, मुक्त क्यों हो? अब समझ आ रहा है, क्योंकि बंधन में कौन है? बंधन में बेटा है, तुम नहीं हो। बंधन में पत्नी है, तुम नहीं हो। बंधन में पिता है, तुम नहीं हो। वो संसार है, उस संसार में जो लिप्त है वो बंधन में है। पर हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम अपने आप को वही जानते हैं जो संसार में लिप्त है। तुम अपने आप को बेटा मानते हो, बेटा बने बैठे हो, तुम जो भी बने बैठे हो अपने आप को वही मानते हो कि तुम वही हो, तुम्हारी हकीकत वही है, इसलिए तुम खुद को बंधन में पाते हो। पर यह बताओ, तुम कहते हो अपने आप को कि तुम किसी की पत्नी या पति हो, ठीक, संयोग था, एक मिल गए होंगे कॉलेज में, या टकरा गए होंगे किसी बस में, या घर वालों ने कर दी होगी जबरन शादी, तो एक संयोग था, इतनी बड़ी दुनिया थी, कोई मिल गया और यूं ही आंख बंद करके तुमने उससे संबंध बना लिया, अब वो तुम्हारा पति या पत्नी बन गया। सचमुच क्या वो पति या पत्नी बन गया? इससे क्या तुम पति हो गए या पत्नी हो गए? अगर कोई और होता व्यक्ति, पुरुष उससे विवाह करते तो वो तुम्हारा पति हो जाता, कोई और स्त्री होती तो वो तुम्हारी पत्नी हो जाती। तो तुम इसको इतना क्यों ले लेते हो कि तुम पति ही हो? अरे भाई, ये छोटा सा मामला है, घटना घट गई। अब तुम कहोगे कोई पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो कहेगा अरे हम तो पैदा हुए ना। ठीक है, पैदा हुए हो, लेकिन जब तुम छोटे थे, महीने भर के ही, तभी तुम्हें किसी और व्यक्ति के, किसी और देश में छोड़ दिया जाता किसी और के साथ, और तुमसे मिलते नहीं ये तुम्हारे माता पिता,
क्या तब कह पाते कि ये तुम्हारे माता पिता है? क्या सुगंध आ जाती क्या तुम्हें वहां तक? नहीं आती ना, तब तो तुम उनको माता पिता कहते जिनके साथ पले बड़े हो। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें बस ये भ्रम है, तुम्हें बता दिया गया है कि ये माता है ये पिता है। बचपन में बच्चा पैदा होता है उसे सिखाते हो ना, मम्मा बोलो पापा बोलो, ये करते हो ना। उसे पता ही नहीं है कि इसे आदमी कहते हैं इसे औरत कहते हैं, उसे ये नहीं पता कि इसे जिसके शरीर से निकला हूं उसे माता कहते हैं और उसका जो पति होता है उसको पिता कहते हैं। उसको नहीं पता है कुछ भी, हम सिखाते हैं ना उसको। तो अच्छा, मेरे जैसा कोई लड़का पैदा होगा उसको भाई कहूंगा, कोई लड़की होगी तो उसको बहन कहूंगा, ये उसको थोड़ी नहीं पता। हमने सिखाया उसे, पर हमने उसे सिखा दिया और उसने मान लिया, ये समस्या हो गई। लेकिन अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि तुम ये नहीं हो, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, आप सदा मुक्त हैं और आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अब बात आ रही, हमने समझा कि आप कौन नहीं है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं। आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को माने बैठे हो, ठीक, कि भाई बेटा पति पत्नी पुत्र जो भी। दूसरा हमने कहा विश्व की बात, तो माने संसार, और संसार क्या? वही जो आपने बसा रखा है ना, मन में तन में अपने काम में धंधे में रिश्तों में समाज में, वही आपका संसार है, ठीक, उसमें आप रचे पचे हो। तो आप हो कौन? आप हो इस संसार के एकमात्र दृष्टा। आप इसे देखते हो क्या? आप इसे देखते नहीं हो, आप तो इसमें हो, इसमें बह रहे हो, आप कैसे देख पाओगे? आप तो उसी में उलझे हुए हो, आप उसके बाहर थोड़ी ना खड़े हो। पर अष्टावक्र क्या करे, आप वो हो जो इसके बाहर खड़े हो, और आप मुक्त हो। मुक्त कब होंगे? जब आप इसके बाहर होंगे। पर जो इसके अंदर ही है वो तो मुक्त नहीं है ना। फिर आगे क्या कह रहे अष्टावक्र कि आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझ रहे हैं। माने जो दृष्टा है आप उसे दृष्टा नहीं समझ रहे, आप किसी और को दृष्टा समझ रहे हैं। आप किसे दृष्टा समझ रहे हैं? आप ये समझो, आप दृष्टा उसे समझ रहे हैं जो आप बने बैठे हो। आप कहते हो मैं ही तो दृष्टा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं। आप कहते हो मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं। माने आप उसे दृष्टा समझ रहे हैं जो दृष्टा नहीं है, क्योंकि जो दृष्टा है वो तो मुक्त है, और जिसे आप दृष्टा समझ रहे हैं वो बंधन में है। वो तो अपने आपको किसी का बेटा बेटी पुत्र पति पत्नी माने बैठा है, वो थोड़ी ना दृष्टा है। दृष्टा थोड़ी ना बेटा होता है, दृष्टा थोड़ी ना पत्नी होता है। तो जब कह रहे हैं ना अष्टावक्र, आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को मान रहे हैं। जनक, ध्यान रखो, जनक किसको दृष्टा मान रहे हैं? कि वो एक राजा है, उस राजा को ही वो दृष्टा मान रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो राजा है ना, ये राजा दृष्टा नहीं है, और तुम राजा नहीं हो, तुम दृष्टा हो। राजा तो कोई और है, होगा कोई कठपुतली। जैसे चांद तो एक ही है, लेकिन कहीं पर कोई डोबचा भरा हुआ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर समुद्र है, सब में चांद दिख रहे हैं। तो ये जो राजा बना बैठा है, ध्यान से देखो, तुम्हारा संसार है ना, कोई माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब कैसे हैं? ये सब उस चांद की छवि जैसे हैं, जैसे जल में दिखाई दे रहे ना, कि नदी में एक चांद दिख रहा है, तालाब में दिख रहा है, झील में दिख रहा है, कुएं में दिख रहा है, यहाँ पर एक पानी भरा गिलास में, उधर एक डिब्बे में पानी भरा उसमें भी चांद दिख रहा है। ये जो जगह जगह चांद दिख रहा है ना, बस यही है, माता पिता भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार, ये सब चांद के जैसे। वो चांद छिपा कि ये सब भी गायब। और तुम कौन हो? तुम वो चांद हो जो आसमान में है असली, और वो अकेला है। तो आगे हम बात करें दृश्य दृष्टा और दर्शक पर, उससे पहले आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि आप, माने आप जो हमने कहा कि जो आप बने बैठे हो वो आप नहीं हो, उसको संबोधित अष्टावक्र नहीं कर रहे हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, तो विश्व क्या है वो भी आपको समझ आ गए, वही सारा संसार जो हमने रचा बसा रखा है। और आप सदा मुक्त हो। मुक्त क्यों हो? क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप बने बैठे हो, आप कुछ और हो, जो मुक्त है वो आप हो। और आपका बंधन क्या है? कि आप किसी और को दृष्टा समझ रहे हैं। माने आप जो बने बैठे हो आप उसी को दृष्टा समझ रहे हो, पर दृष्टा कोई और है। आप मान लो आप पुत्र हैं आप, या पिता है, जो भी है, अपना संबंध देख लेना। मान लो आप पुत्र हैं, पिता के सामने जाते हैं, आपके भाव बदल रहे होते हैं ना अंदर। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ और थे, पर आप अब पिता के सामने जब जा रहे हो तो पुत्र बन गए हो आप, और अपने आपको पुत्र मान लिया है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले आपके हाल चाल सब कुछ अलग थे ना। आप पति या पत्नी है, ठीक है, अपने पति या पत्नी के सामने आप जब जाते हैं, उसके सामने जाने से पहले, उसके ख्याल आने से पहले आप कुछ और बने बैठे थे ना। लेकिन जैसे उसका ख्याल आता है, जैसे वो सामने आता है, तो आप उसके सामने पति या पत्नी बनकर जाते हैं, और आप पूरे बदल जाते हैं।
अभी आप पति पत्नी नहीं थे थोड़ी देर पहले, अब आप बन गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप कुछ और हैं पर आप कुछ और बने बैठे हैं। तो अब हमें समझना होगा कि ये दृष्टा कौन है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, जिसको अष्टावक्र संबोधित कर रहे हैं। तो कल्पना करो, एक खेल का मैदान है, अपने ये भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें, और उस मैदान में वो खेल रहे हैं, आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं। जो खेल रहे हैं वो कौन है? वो दृश्य है, माने संसार। वो जो हमारा संसार हमने बात की ना, पूरा बसा रखा है मन बुद्धि और शरीर के तल पर सब तरह से, उस संसार को जानो कि वो खेल का मैदान है। तो वो क्या है? दृश्य है, माने संसार दृश्य है। और उस स्टेडियम में जो लोग बैठे हैं वो क्या है? वो दर्शक हैं, दृश्य को देखने वाले दर्शक। ध्यान से समझना, अब मैच चल रहा है, बिल्कुल दो देश हैं, दोनों के बीच में चल रहा है, और आप किसी एक देश के हैं उसमें से, मान लो आप भारत के हैं और भारत के खिलाड़ियों की तरफ आप बड़े समर्पित हैं। खेल चल रहा है बड़ा घमासान और आप उसमें बह गए हैं, बिल्कुल उधर दृश्य, इधर आप दर्शक बने बैठे हैं। पता है आप क्या है, चल क्या रहा है? आप अपने आप को दर्शक ही मान रहे हैं। अष्टावक्र जो कह रहे हैं ना कि आपका बंधन केवल इतना है कि आप किसी और को दृष्टा मान रहे हैं, तो ये जो दर्शक है ना, आप इसी को दृष्टा मान रहे हैं कि यही तो है बस, इसके अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन आप कौन हो? आप दृष्टा हो। दृष्टा कौन है? अब अंतर समझ लेना। हम क्या सोचते हैं कि जो देखता है बस वही दृष्टा हो जाता है, उसी को दृष्टा कहते हैं। नहीं, देखने वाला दृष्टा नहीं होता, देखने वाला तो दर्शक है। दर्शक कैसे? जो दृश्य को देख रहा है वो दर्शक है, माने जो उस खेल को देख रहा है वो दर्शक है। तो कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो, तुम दर्शक बने बैठे हो, तुम दृश्य को देख रहे हो। तो जो दृश्य को देखता है वो दर्शक है, और जो दर्शक को देखता है वो दृष्टा है। अर्थात सामने दो टीम है, मान लो भारत की पाकिस्तान की, पाकिस्तान से भारत हार रहा है, ठीक, हार रहा है, तुम भारतीय हो, अब तुम दर्शक बनकर बैठे हो और सामने दृश्य चल रहा है, लेकिन उस दर्शक और दृश्य और जो घटना घट रही है दर्शन की, इसके माध्यम से तुम्हारे अंदर बहुत कुछ घट रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें बुरा लग रहा हो, क्या तुम इसके प्रति सजग हो? इसको जो देख रहा है अंदर से, जब इसके प्रति तुम सजग रहते हो, तुम ही बैठे हो दर्शक बनकर भी, लेकिन इसके प्रति भी जब सजग हो जाते हो दर्शक के प्रति, तब तुम दृष्टा हो जाते हो। पत्नी के सामने जाते ही जब तुम्हारे हाव भाव चाल ढाल विचार सब बदलते, जब तुम उनके प्रति सजग हो जाते हो, तब तुम दृष्टा हो जाते हो। पिता के सामने जैसे ही पुत्र या पुत्री जाते हो बनकर, तब तुम्हारे सब कुछ बदल जाता है, अंदर बाहर चाल ढाल बोलना विचार सब कुछ, है ना। क्या तुम उसके प्रति सजग हो रहे हो तो कि देखो मेरे साथ क्या घट रहा है, ये क्या हो गया, ऐसा बदल कैसे गया मैं, ये क्या चल रहा है, उस पर ध्यान दिया। जब उस पर ध्यान देते हो तब तुम दृष्टा होते हो। तो देखो, एक तो तुम बेटे बनकर जा रहे हो, ऊपर से उस पर ध्यान देने वाला कोई और है जो उनको देख रहा है, जो घटना घट रही है, जो भाव बदल रहे हैं उसको देख रहा है, जो देख रहा है ना, जो जान रहा है, वो दृष्टा है। अब उसका कोई शरीर तो है नहीं, क्योंकि इसीलिए तो वो मुक्त है ना, कि उसका कोई शरीर नहीं, नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, वो ना बेटा ना बेटी कुछ नहीं, वो बस देख रहा है इस घटना को। यह मानो कि वो आसमान में बैठा हुआ देख रहा है कि देखो कठपुतली चल रही है। तो जो टीम है वो दृश्य है, जो खेल चल रहा है वहां पर तुम बैठे हो दर्शक बनकर। अगर तुम दृश्य में ही लिप्त हो तो तुम दर्शक हो, और अगर तुम दर्शक और दृश्य इन दोनों के प्रति सजग हो, दृश्य और दर्शक इन दोनों के बीच जो घट रही घटना, उसके माध्यम से जो तुम्हारे अंदर भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, उन सब के प्रति जो सजग रहता है वो दृष्टा होता है, और तुम वह दृष्टा हो। अब अगर तुम अपने आप को जानो कि मैं दृष्टा हूं, मैं ये दर्शक नहीं हूं, मैं कोई भारतीय नहीं हूं, ये जो शरीर बना है बैठा है ना पुतला, ये मैं नहीं हूं, ये तो सिर्फ एक पुतला है। तो अब अगर टीम हार भी रही होगी ना, तो तुम क्या कहोगे? हार रही है तो हार रही है, जीत रही है तो जीत रही है, मुझे उससे क्या, ना मैं भारतीय ना मैं पाकिस्तानी, दो टीमें खेल रही हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, उसमें रोना मरना क्या, और रोने वाला रोए, जो भारतीय वो रोएगा, जो पाकिस्तानी वो हंसेगा, मैं थोड़ी ना भारतीय पाकिस्तानी हूं। सोचो ना कि भारत हार रहा है तो तुम रो रहे हो, अगर तुम पाकिस्तानी होते तो तुम हंस रहे होते हो, वही घटना घट रही है, लेकिन जो भारतीय है उनको बुरा लग रहा है, जो पाकिस्तानी है सारे वहां पर उनको अच्छा लग रहा है, एक ही घटना पर देखो ना,
इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी तुम बने बैठे हो ना वहां पर तुम वो हो नहीं, वहां तो बस एक यांत्रिक क्रिया चल रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अगर ये जीते तो इसको अच्छा लगेगा, वो हारे तो उसको बुरा लगेगा, बस ये चल रहा है। पर ये जो चल रहा है इन सबके प्रति जो सजग है, इस सबको जो देख रहा है, बस इसमें लिप्त नहीं है, इसमें उलझा हुआ नहीं है, बस इसको देख रहा है, इसको जान रहा है, इसका बोध जो ले रहा है सजग होकर के, वो दृष्टा वह तुम हो। तो अब देखो अष्टावक्र संबोधित कर रहे हैं ना, आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और आप सदा मुक्त हैं। तो वो इस दृष्टा की बात कर रहे हैं, कौन से दृष्टा की, जो दर्शक के प्रति भी सजग है, देखने वाले के प्रति भी जो सजग है। जैसे मैं जा रहा हूं रास्ते से, सामने से माँ आ गई तो मैं कहूंगा माँ आ गई, ठीक है। अब वो जो दृष्टा है ना वो कह रहा है देखो सामने से स्त्री आई तो माँ बोल रहा है, अभी देखो दूसरी स्त्री आएगी, स्त्री आई बहन आई तो मैंने बहन बोला। फिर दृष्टा हंसेगा, देखो अभी थी उसको माँ बोल रहा था, अब इसको बहन बोल रहा है, वारे बदल रहा है। फिर सामने से कोई आ जाएगी सुंदर स्त्री तो उधर मन मचल जाएगा, फिर दृष्टा हंसेगा, देखो अभी तो बड़ा सम्मान कर रहा था माँ और बहन और अब भोग के दृष्टि से देख रहा है। तो जब जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही उन सबको देखो, अच्छा बेटा बन गया, अच्छा पुत्री बन गई, अच्छा पत्नी बन गई, वाह, अच्छा पति ने डांट दिया दुख हो रहा है, अच्छा पिता ने डांट दिया इसलिए दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो दुखी हो, हम थोड़ी ना दुखी होंगे, हम दृष्टा हैं। जब रो रहे हो तब भी देखो कि रोने वाला तुम नहीं हो, रो कौन रहा है, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बहू, वो रो रहे हैं। यही तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध कर, तू तो दृष्टा है, तू थोड़ी ना कर रहा है, ये तो अर्जुन कर रहा है, अर्जुन है कोई क्षत्रिय, वो कर रहा है, खेल चल रहा है, करने दे उसे, तू क्यों बीच में आ रहा है। तो अष्टावक्र जिसे संबोधित कर रहे हैं आप कह करके, वो कौन है, वो है जो दृष्टा है, और वो कौन है, वो ना भाई है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पत्नी, कुछ नहीं है, वो इन सारी पहचानों से, बंधनों से, इन सारी सीमाओं से मुक्त है। उसे वो संबोधित कर रहे हैं कि तुम वो हो जो ना किसी के भाई, पिता, राजा, कुछ नहीं हो। जनक तुम पुरुष नहीं हो, आदमी तुम किसी के पति नहीं हो, किसी के पिता नहीं हो, तुम तो ये जो पति, पत्नी, पिता, पुरुष, आदमी बना बैठा है, इस सबके साक्षी भर, इस सबके दृष्टा हो तुम, और तुम मुक्त हो, क्योंकि बंधन में तो वो है जो पिता पत्नी बने बैठा है। तो शायद आपको बात समझ आई होगी, दृश्य क्या है, ये संसार दृश्य है जो हमने बसा रखा है, जो कुछ भी ये सब दृश्य है, इनको देखने वाला दर्शक है। लेकिन इस संसार को, माने दृश्य को, जब दर्शक देखता है तो दर्शन की घटना घटती है ना, दृश्य, दर्शक और दर्शन। इस घटना के प्रति, इस घटना के घटने से जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस सब के प्रति जो सजग है, उस सब को जो देख भर रहा है, वो दृष्टा है। इसको ऐसे ही देखो कि तुम जैसे मान लो आसमान में बैठे हो और ये शरीर नीचे चल रहा है, ठीक है, और ये शरीर क्या है, ये किसी का पुत्र है। तो इसको देखो कि तुम आसमान में बैठे हो और ये शरीर किसी का पुत्र है और ये किसी आदमी जिसे वो पिता कहता है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। अब आसमान से तुम बैठे बैठे हंस रहे हो, वाह, तो तुम वो हो जो आसमान में है। तो यदि तुम्हें मुक्त होना है तो वो सारी पहचाने जो तुम्हें संसार ने दी है, तुम्हें उससे मुक्त होना पड़ेगा। तब तुम अपने आप को जानोगे कि तुम सचमुच मुक्त हो, कोई बंधन है ही नहीं, बस समाज ने जबरन के थोप रखे हैं, लोगों ने जबरन थोप रखे हैं तुम पर, क्योंकि वो तुम्हें नहीं सिखाते, तो तुम वैसे नहीं होते जैसे अभी हो। कल्पना ही तो करके देखो एक बार इस बात की कि तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तो तुम्हें पुत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम किसी के पिता नहीं हो, तुम्हारे पास पिता के कोई बंधन नहीं, ना तुम माता, ना पति, ना पत्नी, कुछ नहीं हो, तो तुम्हारे वो सारे बंधन भी नहीं। कौन सी जिम्मेदारी, कौन से कर्तव्य, अब तुम कुछ नहीं बचे, सब मिट गई तुम्हारी पहचान है, अब तुम कुछ नहीं हो। जब कुछ हो ही नहीं तो काय के बंधन, काय का कुछ, तुम बस दृष्टा हो गए आप संसार के। और जो बस दृष्टा है वो तो मुक्त है, वो थोड़ी ना बंधन में। फिर तो अभी अपने आप पर अभी भी ध्यान दो, जब तुम सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब भी क्रियाएं, तब अंदर देखो कि घट क्या रहा। जैसे ही कुछ डरावना देखो, एकदम से डर लगे तो उसके प्रति सजग हो कि कौन डर गया। जब बुरा लगे तो देखो बुरा किसे लग रहा है,
अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बुरा लगने में तुम तो व्यस्त हो, फिर देख कौन रहा है, ये जान कौन रहा है कि किसी को बुरा लग रहा है? ये जो जान रहा है ना कि कोई रो रहा है, तुम अपने आप को रोता हुआ देख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं रो रहे हो, कोई और है जो रो रहा है, तुम तो उससे अलग हो। क्योंकि अगर तुम भी रो रहे होते तो तुम तो रोने में व्यस्त हो, फिर देख कैसे रहे हो? इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम वो हो जो देखने वाला है, बस रोने वाला तुम नहीं हो। तो वो जो दृष्टा है तुम उसमें स्थापित हो जाओ, उसके साथ रहो, बाकी जो चल रहा है संसार में उससे मत चिपको। कर्म करो ना, ये जो शरीर है इसका उपयोग हो रहा है, इसको सही दिशा देते रहो, अपने बोध से, अपने समझ से, अपनी स्पष्टता से, अपनी प्रज्ञा से। लेकिन ये जानते रहो कि तुम सिर्फ दृष्टा हो, दर्शक नहीं। फिर किसी के हारने या जीतने से तुम्हें दुख या खुशी नहीं होगी, फिर कोई तुम्हारे लिए अपना या पराया नहीं होगा, फिर तुम्हारा किसी जाति या किसी धर्म से संबंध नहीं होगा। सब फिर तुम्हें मजाक की तरह लगेंगे, सब ऐसे ही लगेंगे जैसे कि फिल्म चल रही हो, बस ऐसा लगेगा फिर संसार। मतलब इस तरह से फिर तुम इसे देखोगे कि जैसे फिल्म ही तो चल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं, मंच सजा हुआ बड़ा सा, इस तरह फिर संसार को देखोगे। जब सिनेमा जाओ तो फिल्म को देखो और अपने आप को भी देखो, और फिल्म को देखने के साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति भी सजग रहो। जो उसके प्रति जो सजग रहता है वह तुम हो, वह दृष्टा है। तुम वो नहीं जो फिल्म देख रहा है, फिल्म देखने वाले को जो देख रहा है वह तुम हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, ओशो धारा को निरंतर आपके साथ ना बांट पाने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आप इसके लिए मुझे क्षमा भी कर देंगे। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि हम ओशो की विचारधारा को लगातार आपस में बांट पाएं, उस पर विचार विमर्श कर पाए, पर ये विचारधारा कभी बंद नहीं होगी। महान विचारों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता, ये सभी में समान रूप से वितरित होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ओशो के ऐसे एक अथाह भंडार, लिपिबद्ध किए हुए साहित्य को, जिस पर अभी बहुत कम प्रकाश डाला गया है, हम आपके सामने चरणबद्ध तरीके से लेके आएंगे। 1990 में संदिग्ध मृत्यु के बाद ओशो अपने पीछे बहुत सा साहित्य संकलन छोड़ के गए हैं, जिस पर अभी प्रकाश डालना बाकी है। इस साहित्य को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ ट्रांसलेट करके उदाहरण सहित मैं इसे आप तक पहुंचा सकूं, आपके साथ में इसे वितरित कर सकूं। ओशो ना सही, उनकी वाणी ही सही, उनके विचार ही सही। हो सकता है आपको ओशो के उद्बोधन सुनने को ना मिले, पर उनके विचार लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे, और ये मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज के इस प्रथम समरी के चैप्टर में हम बात करेंगे ओशो की लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक, जिसका टाइटल है क्या ईश्वर मर गया है, की समरी के बारे में, और इस बुक के मुख्य दृष्टांत के बारे में। क्या ईश्वर मर गया है? हमारे अंधेपन ने उसकी हत्या कर दी है। क्या हम आंखें खोलने को राजी हैं? जिनको प्रेम है जीवन से, सत्य से, वे आंखें खोलने को राजी हों तो सारे जगत में परमात्मा का अलौकिक प्रकाश हो सकता है। पर वो आंखें खुलेंगी कैसे, जो आंखें सदियों पूर्व बंद हो गई, जिन्हें स्वयं के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उन्हें खोलेंगे कैसे? ईश्वर मरा तो नहीं, पर हमने उसकी हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मनुष्य ने एक तरकीब ईजाद की है ईश्वर से बचने की, और यह है कि ईश्वर को खोजना भी उसने बंद कर दिया है, ईश्वर को बनाना उसने शुरू कर दिया है। ऐसे मनुष्य भी बच जाएगा और ईश्वर भी निर्मित हो जाएगा। स्वभावतः बहुत प्रकार के ईश्वर निर्मित हो गए, हिंदू के, मुसलमानों के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, हजार हजार प्रकार के ईश्वर निर्मित हो गए। अपनी अपनी रुचि के भगवान सभी लोगों ने बना लिए,
ये जो ईश्वर हैं, मैंने कहा ये मर गए हैं और ये शुभ है। आज के मनुष्य को देखकर तो यही जान पड़ेगा कि ईश्वर मर गया है। कहीं खोजने से ईश्वर की लाश नहीं मिलेगी और न ही किसी कब्र पर लगा हुआ पत्थर ही मिलेगा कि यहाँ यह दफनाया गया है, और न किसी जमीन के कोने कोने में खोजने पर यह पता लगेगा कि कौन से लोग गवाह हैं जिनके सामने वह मरा है। नहीं, ईश्वर के मर जाने की गवाही तो हम सारे लोग हैं। एक एक आदमी के जीवन में इतना दुख, इतना अहंकार, इतनी पीड़ा, अशांति, किस बात की सूचना है? इस बात की कि यह आनंद का स्रोत जो था वह जीवन से मिट गया है, उससे हमने संबंध विच्छेद कर लिया है, वह संबंध टूट गया है। इसी पर एक दृष्टांत। एक रात एक घर में एक अंधा आदमी मेहमान हुआ। आधी रात बीत जाने पर वह विदा होने लगा तो घर के लोगों ने कहा, रास्ते में अंधेरा है, अमावस की रात है, तुम एक लालटेन हाथ में लेते जाओ। अंधा आदमी हंसने लगा, जैसा कि स्वाभाविक ही था। उसने कहा कि मेरे हाथ में लालटेन होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अंधा हूँ। रात अंधेरी है या उजाली, और दिन है या रात है, इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो सब अंधेरा ही है। और हाथ में लालटेन होगी तो क्या होगा, आकाश में सूरज होगा तब भी कुछ नहीं होगा। बात तो उसकी ठीक ही थी, लेकिन उस घर के लोग भी बड़े तार्किक थे। वह मानने को राजी ना हुए। उन्होंने कहा, यह तो सच है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी आंखों के लिए लालटेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घने अंधेरे में आते हुए दूसरे लोगों को तो लालटेन दिखाई पड़ेगा, वे कम से कम तुमसे टकराने से बच पाएंगे, इतना क्या कम है। और यह दलील के सामने उस अंधे व्यक्ति को झुकना पड़ा और वह लालटेन लेकर घर से विदा हुआ। लेकिन कई सौ कदम नहीं गया होगा और कोई आदमी उससे टकरा गया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, मेरे मित्र, क्या आप भी अंधे हो? मेरे हाथ की लालटेन दिखाई नहीं दी? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, महानुभव, आपकी लालटेन कहीं बीच में बुझ गई। अंधे व्यक्ति को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है? आप पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ईश्वर मर गया है या जीवित है। अंधे आदमी को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है? इस बात से पता चलेगा कि टक्कर हो गई है। टक्कर होना इस बात का सबूत है कि लालटेन बुझ गई है, और हम सब की एक दूसरे से टक्कर हो रही है। क्या यह ईश्वर के मर जाने का सबूत नहीं है? क्या यह लालटेन के बुझ जाने का सबूत नहीं है? यह लालटेन के बुझ जाने का ही सबूत है। हम जीवन में कर क्या रहे हैं? जी रहे हैं या लड़ रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं या छीन रहे हैं? एक दूसरे के जीवन में सहयोगी हैं या शत्रु हैं? इस बात से सबूत मिलेगा कि ईश्वर मर गया है या नहीं मरा है। इसे पूछने किसी और से मत जाना कि ईश्वर मर गया है या नहीं। अपनी जिंदगी को देख लेना, और अगर वह आसपास टकराव पैदा करती हो, क्रोध और हिंसा पैदा करती हो, तो जान लेना कि तुम्हारे हाथ की लालटेन बुझ गई है और तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया है, और कम से कम तुम्हारा खुदा तो मर ही गया है। इसे खोजने या कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मुझे कैसे पता चला कि ईश्वर मर गया है? आदमी को देखकर पता चलता है। आदमी ईश्वर की कब्र बन गया है। इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि आदमी एक मुर्दे की भांति जी रहा है। उसके भीतर राख है, जीवन की कोई आग बची ही नहीं। उसके भीतर सब मुर्दा ही तो है, जीवन और जलता हुआ
कुछ भी नहीं, वह सब बुझा बुझा है। यह खबर है, यही सूचना है, और अगर यह भी सूचना नहीं है तो फिर इसके अलावा और क्या सूचना हो सकती है। पूछा है कि अगर ईश्वर मर गया है तो क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, कतई नहीं। ईश्वर के मरने से निराश होने का कोई संबंध नहीं। यदि झूठा ईश्वर, जिसे हम ईश्वर समझते रहे, वह समाप्त हो गया तो सच्चे ईश्वर की खोज शुरू हो जाए। हीरो के दुश्मन पत्थर नहीं है, नकली हीरे हैं। पत्थरों ने तो हीरो को कई दुश्मनों से बचाया है, उनसे उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। नकली हीरे असली हीरो के दुश्मन हैं। ईश्वर ने उन लोगों का विरोध नहीं किया जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। ईश्वर की शत्रुता वे लोग करते हैं जिन्होंने झूठे ईश्वर गढ़ लिए हैं। उन्होंने मनुष्य को सच्चे ईश्वर तक जाने के लिए हमेशा ही रोक लिया है। इसलिए नास्तिकों से मत घबराना। नास्तिक तो एक दिन अपनी नास्तिकता की पीड़ा से आस्तिक हो जाएगा। कोई अगर नास्तिक है पूरा पूरा तो बहुत दिन तक नास्तिक नहीं रह सकता। उसकी नास्तिकता ही उसकी आस्तिकता में ले जाएगी। नास्तिकता तो सीढ़ी है आस्तिकता तक जाने की, लेकिन जो झूठे आस्तिक हैं वो कभी आस्तिक ना हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें नास्तिक की सीढ़ी उपलब्ध हो गई है, जिस पर चढ़कर वो कई आस्तिकता आ सकती है, जिससे कभी पूरे मन से ईश्वर की प्रचलित धारणाओं पर संदेह नहीं किया, वह आदमी कभी भी सच्चे ईश्वर की तरफ गतिमान नहीं हो सकेगा, क्योंकि संदेह की वह शक्ति है जो झूठे ईश्वर को घिरा देती है। उसने संदेह की उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसने झूठे ईश्वर का विश्वास कर लिया, बस मान लिया, जैसा जिसने घड़ा बताया बस उस पर विश्वास कर लिया। पूछा है यदि हम इस तरह से संदेह से भर जाएं, तब विश्वास कैसे पैदा होगा और कौन सा ईश्वर सत्य मान के चलें? क्या यह आपको पता नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों को जीवन में और भाग्य में विश्वास की संपदा मिलती है जो सम्यक रूप से संदेह करना जानते हैं, राइट डाउट करना जानते हैं। वे लोग जो विश्वास की संपदा को उपलब्ध करते हैं, वे लोग नहीं जो संदेह करने से डरते हैं, क्योंकि जो संदेह करने से डरता है उसका विश्वास झूठा होगा, इसीलिए वह संदेह करने से डरता है, इसीलिए वो अंधभक्त है, आंखें बंद करके यकीन करता है, क्योंकि वो जानता है कि संदेह किया गया विश्वास ही सच्चा है। इसलिए झूठे विश्वास वाले लोग दूसरे लोगों को समझते हैं कि संदेह मत करो। एक छोटी घटना कहूँ, उससे शायद मेरी बात समझ में आ जाए। एक रात एक गांव में ऐसा हुआ, जैसे कि हर रात प्राय सभी गांव में होता है, कि कुछ जवान लड़के एक शराब गृह में गए और शराब पीकर बेहोश हो गए। जैसा कि हर रात हर गांव में होता है, उस गांव में भी हुआ। लड़के शराब पीकर बेहोश हो गए और बाहर निकले मधुशाला से तो आकाश में चांद था, पूर्णिमा की रात थी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी रात है, चलो झील पर चले। वो झील पर गए, एक नाव में सवार हुए, पतवारे उठाई और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। रात बीत गई, वे रात भर पतवार चलाते रहे, नाव को खेते रहे और सुबह जब ठंडी हवा आने लगी तो उनका नशा कुछ उतरा। तब उनमें से किसी ने कहा कि न मालूम कितनी दूर निकल आए, न मालूम किस दिशा में आ गए, अब तो सुबह भी होने को करीब आ गई, पता लगाओ कि हम कहाँ हैं, वापस लौट कर चले, गांव के लोग जाग चुके होंगे। उनमें से दो लोग किनारे से नीचे उतरे और हैरानी से चिल्ला उठे और कहा, घबराओ मत, नीचे उतर आओ, हम वहीं खड़े हैं जहाँ रात खड़े थे,
वे नीचे उतरकर बहुत हैरान हुए। जंजीर रात को खोलना भूल गए थे, नाव वहीं बंधी थी। वे पतवार चलाते रहे, रात भर का श्रम व्यर्थ गया। श्रम तो बहुत किया पर यात्रा भी बहुत की, लेकिन जहाँ थे वहीं रहे, कहीं गए नहीं। अधिकतर लोग जब मौत की ठंडी हवाएं आती हैं और जीवन का नशा उखड़ता है तो पाते हैं कि किनारे पर ही नाव बंधी है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। वहीं खड़े हैं क्योंकि किनारों से जंजीर छोड़ना भूल गए थे। यह जो हमारे ज्ञान का कारण है, यह जो हम जानते हैं, उसी से हम बंधे हैं। पढ़ ली कोई धर्म पुस्तक, पढ़ ली गीता कुरान बाइबिल या कुछ और, किसी ने कुछ और सुन लिया, किसी ने कुछ और अनुभव कर लिया, वह उसी से बंध गया। जो ज्ञान से बनता है वह अतीत से बन जाता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बीते हुए कल का है, वह पास्ट है, वह बीत गया है। जो आपने जान लिया वह अतीत हो गया, जो जान गया वह गया, वह मुर्दा हो गया, वह मर गया। उस मरे हुए को जो साथ बांधे रहता है, उसके भविष्य में यात्रा कैसे हो पाएगी, वह आगे कैसे जा सकेगा। ज्ञान तो हमेशा बीता हुआ है, जो भी आपने जान लिया वह गया, और परमात्मा है अनजाना, अननोन। तो इस जाने हुए से अगर हम बंध गए तो उस अननोन को कैसे जान पाएंगे, बस यही इस वीडियो का सार है। इसलिए अज्ञान की गठरी को उतार फेंक देना है, वही उस अज्ञात के सागर में यात्रा कर पाता है जो कि परमात्मा का है, जो कि ईश्वर का है। अन्यों के लिए वह मरा हुआ है। इसका पहला सूत्र यह है कि ज्ञान से मुक्त हो जाओ। लेकिन हम सब तो ज्ञान की तलाश में ही हैं, फिर मुक्त कैसे हो जाएं? हम सब तो इसे खोज रहे हैं कि वह ज्ञान कहीं मिल जाए। भगवान न करे कि आपको कहीं ज्ञान मिल जाए। ज्ञान मिला तो आप ही बंदी बन जाएंगे, वह ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं वह ठहर जाते हैं और मुर्दा हो जाते हैं। पंडित से ज़्यादा मरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, इतना डेड नहीं है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, एकदम कठिन है। दुनिया में जितना पांडिताय बढ़ता है उतना मुर्दापन बढ़ता है, क्योंकि वे अपने जानने से अधिक अपने अर्जित किए हुए ज्ञान से बंध जाते हैं। वह बंधन उसके चित्त को फिर से उड़ान लाने नहीं देता। तो पहला सूत्र है, ज्ञान के तट पर अपनी जंजीर तोड़ दीजिए। बड़ी घबराहट लगेगी। धन छोड़ देना आसान है, लेकिन ज्ञान छोड़ देना बहुत कठिन है। इसलिए जो लोग धन छोड़कर भाग जाते हैं वे लोग ज्ञान नहीं छोड़ते। ज्ञान छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन उसी धन से जो किताब खरीदते हैं उसका बस्ता बांधकर साथ ले जाते हैं, वे ज्ञान नहीं छोड़ते। एक आदमी सन्यासी हो जाता है तो घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, पत्नी और बच्चों तक को छोड़ देता है, लेकिन हिंदू होने को नहीं छोड़ता। अष्टवक्र गीता जैसा निश्चय ही कोई साहित्य पूरी दुनिया में नहीं है, यह बात पूर्णतया सत्य है। और मैं अष्टवक्र गीता को पढ़ने के बाद ही आपसे कह सकता हूँ। अष्टवक्र गीता के विषय में आजकल हम काफ़ी जो पहुँचे हुए लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके बारे में काफ़ी व्याख्यान हो रहे हैं। अष्टवक्र की गीता के महत्व को बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ओशो जैसे महाज्ञानी भी कर चुके हैं कि अष्टवक्र गीता जैसा शायद ही कोई साहित्य दुनिया में अवेलेबल होगा। अष्टवक्र गीता अध्यात्म के पथ पर चलने वाले और ज़्यादातर जो हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है, परेशानी क्यों, चिंता क्यों, और ऐसे ही बहुत सारे क्यों का जवाब जो है आपको अष्टवक्र की गीता में मिल जाता है। अष्टवक्र की गीता का
कंपैरिजन कई बार लोग जाने अनजाने में श्रीमद् भागवत गीता से करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों में कुछ भी समानताएं नहीं हैं, सिवाय इसके कि इनके नाम में गीता जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अष्टवक्र की गीता का सार जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गीता सनातन धर्म को समझने की वो छोटी कुंजी हैं जिनका कंपैरिजन आप अपने मोबाइल की छोटी चिप से कर सकते हो, जिसमें आप 2 GB, 4 GB, 64 GB तक का बड़ा डेटा रख सकते हैं। तो गीता उसी प्रकार की कुंजी है जिनमें आपका पूरा सनातन धर्म जो है संक्षिप्त में समाया हुआ है। दोस्तों, सनातन धर्म का स्वरूप इतना वृहद है, 100 उपनिषद, वेद, पुराण और भी बहुत सारा साहित्यिक लिटरेचर उपलब्ध है, जिसका अर्जन करने में, अध्ययन करने में एक जीवन भी कम पड़ जाए और उसके बाद भी अगर हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएँ सटीक, तो उसका बहुत बड़ा एक तपश्चर्या उसे कहा जाएगा। पर ये आजकल के आधुनिक समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप भले ही 2 PhD कर लीजिए, पर इन सब का जो निष्कर्ष निकालना वो काफ़ी मुश्किल है। पर इसका सॉल्यूशन केवल भागवत गीता या अष्टवक्र की गीता ही हो सकती हैं, जो कि आपको संक्षिप्त में पूरे ज्ञान का ब्यौरा आपको दे देते हैं, जो कि ऋषियों मुनियों ने हजारों साल से हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे लिए एकत्र किया है। तो अष्टवक्र की गीता भी जो है इन्हीं सभी विषयों पर बात करती है। तो आइए अब कोशिश करेंगे आपको कम समय में अष्टवक्र की गीता का संपूर्ण सार बताने का। दोस्तों, अष्टवक्र की गीता में भी 20 अध्याय हैं, जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे या आप इन्हें चैप्टर बाय चैप्टर अगर सुनेंगे तो इसमें भी आपके कम से कम 7 या 8 दिन लगभग लग सकते हैं। पर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप इन्हें जल्द से जल्द समझ पाएँ, तो इसलिए इसके जो मेन पॉइंट हैं उन्हें इस वीडियो में हमने कंपाइल किया है। कुछ छूट भी सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूँ। अष्टवक्र गीता में 20 अध्याय हैं, जिनमें राजा जनक, जो कि सीता माता के पिताश्री हैं, वो बालक अष्टावक्र से कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिनका जवाब बालक अष्टावक्र अपने एक्सपीरियंस अनुभव के अनुसार देते हैं और उन्हीं सभी का संकलन अष्टावक्र की गीता कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के निचोड़ से। पहले अध्याय में राजा जनक अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अष्टवक्र से पूछते हैं कि महाराज, जीवन में मुक्ति किस प्रकार संभव है और मुक्ति क्या है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर हमें ये नोटिस करना चाहिए कि अष्टावक्र यहाँ पर मात्र एक बालक हैं और राजा जनक यहाँ पर वृद्ध हो चुके हैं, पर फिर भी वो छोटे बालक को महाराज कहकर संबोधित करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे दृष्टांत जो हैं हमें और भी कई चीज़ें सिखाते हैं। तो अष्टावक्र उत्तर देते हैं, क्योंकि राजा जनक के पास जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, संपन्नता उनके पास थी, पर उनका जो आध्यात्मिक संतुष्टि थी वो कहीं ना कहीं जो है उसमें कुछ अधूरी थी, वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए वो इस प्रकार के जो हैं सवाल बालक अष्टावक्र से करते हैं। बालक अष्टावक्र यहाँ पर उत्तर देते हैं कि हे राजन, अगर आप मुक्ति चाहते हैं और अपने मन को अगर आप शांत करना चाहते हैं और उस परम सत्य को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको निश्चय ही अपने मन को विषयों से, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा से हटाना होगा। तो इस पर राजा जनक जो हैं आगे सवाल करते हैं कि पर कैसे महाराज, ये बताइए कि आपने बताया कि इनसे हटाना होगा, पर इतना तो शायद आसान नहीं होगा हटाना। तो इस पर जो है बालक अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि आप अपने मन से विषयों को विष की भांति,
जैसे आप विश का जो है नाम सुनकर दूरी बना लेते हो, विश के नाम से आपको पता है कि ये आपको जो है हार्म करेगा, तो उसी प्रकार से आप विषयों को छोड़ दीजिए। और विषयों को छोड़ने के लिए आपको क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य जैसे अमृत का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार का उदाहरण देते हुए वो राजा जनक को अपने मन को शांत करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ वो जोड़ते हैं कि अगर आप अपने शरीर को और अपने आप को दोनों को अलग करके देखें तो आपके शरीर को और मन को भी तुरंत विद इन सेकेंड परम सुख, शांति और बंधन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होंगी। इसी श्लोक में जो है पहले अध्याय की गहराई छुपी है कि स्वयं से हम शरीर को अलग किस प्रकार कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब जो है साइंटिफिकली मृत्यु होता है, पर योगिक जो इसकी डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता है जिसमें आदमी योगिक क्रिया में जीवित तो होता है पर अपने जीवित शरीर से बाहर निकल के वो अपने शरीर को देख सकता है, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो इसी क्रिया पर ध्यान देने के लिए अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जो कि संभव है, और उन्हें कहते हैं कि आप इस चीज़ को जान लें कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप बर्तन में भरे हुए हवा हो, जैसे बर्तन में हवा भरा होता है, आप उस प्रकार हो जो बर्तन के अंदर भी और बाहर भी है, यानी कि आप शरीर के अंदर भी हो और बाहर भी हो एक ही समय में, पर आपको केवल अंदर का आभास है, बाहर का आपको आभास नहीं है, क्योंकि इस पर माया रूपी जो पर्दा है वो लगा हुआ है। अगले उद्बोधन में, अगले चैप्टर में इसी प्रकार वो बताते हैं कि आप जो हैं वो निर्लिप्त, निराकार और विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर आप सुखी हो जाइए। यानी कि बालक अष्टावक्र बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप जो हैं वो किसी दो पदार्थों से मिलकर नहीं बने हैं, आप सर्वत्र हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसी के साथ वो जोड़ते हैं कि धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मस्तिष्क से जुड़े हुए प्रपंच हैं, सर्वव्यापी आपसे नहीं। वो राजा जनक को बताते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, ठीक उस ब्रह्म परमात्मा की तरह, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा से ही मिलके बना हुआ है और आत्मा भी परमात्मा का ही हिस्सा है। तो मोटे शब्दों में अगर कहें कि अष्टावक्र की गीता जो है वो अद्वैतवाद पर फोकस करती है, यानी कि वो ब्रह्म और स्वयं को अलग नहीं करती, तो ये कहना भी उचित ही है। तो अष्टवक्र बार बार राजा जनक को केवल यही बताने की चेष्टा करते हैं कि आप अपने आप को, स्वयं को ब्रह्म से जोड़ के देखें, प्रकृति से जोड़ के देखें, केवल मात्र एक शरीर या संबंध रिलेशनशिप से नहीं। इस पर फिर वो राजा जनक को कई उदाहरण देते हैं कि आप जो है वो केवल दृष्टा हैं, आप केवल चीज़ों के, जो वस्तुएं आपके आसपास हैं उनके दृष्टा हैं, जो घटनाएं हो रही हैं आप उन्हें केवल देखें, उनमें संलिप्त ना हो। अष्टावक्र राजा जनक को यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं, ये भी बताते हैं कि आपका अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव से, यानी कि हमारे अंदर की जो है मैं कार्य करता हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये किया है, मैंने वैसा किया है,
तो आप मान के चले कि आप कर्ता हैं ही नहीं, आप केवल एक कठपुतली हैं, कर्ता कोई और ही है, आपके द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप इस भाव को समझ जाएं कि आप जो हैं केवल दर्शक हैं, आप जो हैं केवल चीज़ों को देख रहे हैं, कर्म भी आपके द्वारा करवाया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो है वास्तव अमृत को पीकर आप सुखी हो जाइए। इस प्रकार के वास्तविक अमृत से आपको जो है परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसमें अष्टावक्र जी बोलते हैं कि स्वयं को मुक्त मानने वाला व्यक्ति ही मुक्त है, बंद मानने वाला व्यक्ति बंधा हुआ है। और यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। अगले अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ये विश्व केवल हमें भ्रम वश ही प्रतीत होता है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार आप 1,000 थालियों में 1,000 चांद के प्रतिबिंब देख सकते हो, पर वो सच्चाई नहीं है, वो पर दिख रहा है। तो इसी प्रकार ये जो दुनिया संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है, जिसे अष्टावक्र की गीता में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर वो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि सच्चाई वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये किसी बड़े स्वप्न जैसा है। जब आप रात को गहरी नींद में होते हो या आप कोई स्वप्न देखते हो, तो आपको नहीं पता कि आपके शरीर के साथ में निद्रा के दौरान क्या हो रहा है, कहाँ आपका अवचेतन मन घूम रहा है, क्या आपकी आत्मा कर रही है। तो उसी प्रकार जो है अष्टावक्र जी समझाने की कोशिश करते हैं कि यह संसार भी एक स्वप्न है, जिसे आप ब्रह्मवश जो है इसे वास्तविकता मान चुके हो, जो कि वास्तविकता कतई नहीं है, स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। तो जब आप इस स्वप्न से कभी जागोगे तब आपको जो है पता चलेगा सच्चाई का, पर यह भी एक स्वप्न है जिसके में ही स्वप्न हम देखते हैं। तो इस प्रकार वो संसार को जो है स्वप्न की एक परिभाषा देते हैं। इसी प्रकार राजा जनक जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोलते हैं कि हे पुत्र, बहुत समय से मैं अपने शरीर के इस भाव बंधन से बंधा हुआ था, और मैं तो अपने आसपास जो है रिलेशनशिप, अपने रिश्ते नाते स्वयं को अनुभव कर बहुत जो है दुखी भी हुआ हूँ, कई बार सुखी भी हुआ हूँ, पर इस प्रकार जो आपने मुझे ये परिभाषाएं दी हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अनुसरण करने से उनकी जो है तलवार बनाकर मैं अपने इस बंधन को शायद काट पाऊंगा। अष्टावक्र अंतिम अध्याय में समझाते हैं कि जहां भी तुम्हारी आसक्ति हो, जहां तुम्हें लगे कि आपकी आसक्ति उस ओर जा रही है, वही संसार है और वही स्वप्न की भांति वास्तव नहीं है। इसमें छुपी हुई दूसरी शक्तियां जिन्हें माया बोलते हैं, वो अपनी तरफ आपको खींचती हैं, जिनके चंगुल में फंसकर आप इनमें जो है क्रीड़ाओं में उलझ जाते हो। वास्तव में आप उस पर ब्रह्म का एक हिस्सा हो जो कि कभी अपवित्र या कुंठित या जिसमें दुख सुख का लेश मात्र भी नहीं हो सकता। और ब्रह्म की प्राप्ति होने का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जब आप सुख दुख, पुरुष स्त्री, बच्चे इत्यादि में, संपत्ति विपत्ति में भेद ना करें और सब स्थिति में एक जैसा रहें, तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है और आपको जो है मुक्ति मिल गई है। द्वैत भाव ही, यानी कि भेद भाव ही सब दुखों का मूल कारण है, इसके अतिरिक्त कोई भी कारण जो है दुख का नहीं है।
तो अष्टावक्र यहाँ पर भेद मिटाने की सलाह देते हैं। भेद मतलब वो कहते हैं कि आप जो हैं ईश्वर को अपने से अलग मान के चलो ही ना, ईश्वर आप में ही हैं और आप ईश्वर में सम्मिहित हैं। तो वो जो हैं द्वैतवाद को जो है हटाने का, भेदभाव को हटाने का आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई औषधि नहीं है, कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह असत्य है और मैं एक चैतन्य और निर्मल आत्मा हूँ और मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मैं केवल इस शरीर में ही प्राण संचारित नहीं करता बल्कि मैं पूरे विश्व में भी विद्यमान हूँ और ये विश्व मुझ में समाया हुआ है। ऐसी भावना करके आप चलो तो आपके मोह के तार जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, विषय वस्तुओं में आसक्ति कम होगी। जिस प्रकार पानी की लहर फेन और बुलबुले पृथक नहीं हैं, उस प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले हुए इस विश्व से अलग नहीं है। तो परमात्मा प्राप्ति का और इन सब क्यों की जिज्ञासाओं को शांत करने का सबसे उचित उपाय स्वयं को जानना है और स्वयं के अंदर ही प्रकृति निहित है, ब्रह्मांड निहित है और ईश्वर भी निहित है। इसी पर जो है अष्टावक्र बल देते हुए राजा जनक को बताते हैं कि ये जो दुख सुख हैं ये केवल आपने अपने दिमागी रूप से तैयार किए हैं, इनका आपके जीवन में कोई भी रोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अंतिम अध्याय में बालक अष्टावक्र की बातों से पूर्णतया संतुष्ट होकर राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है इस छोटे संक्षिप्त ज्ञान से मेरे ज्ञान चक्षु जो हैं वो पूरे खुल गए हैं। मुझको भी नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है, क्योंकि आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हैं, क्योंकि समस्त विश्व में मैं संलिप्त हूँ और समस्त विश्व मुझ में संलिप्त है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने के बाद भी जिसका विनाश नहीं होता वो परमात्मा है और उसी परमात्मा के हम जो हैं प्राणी हिस्सा हैं। जीवन में कठिनाई और जीवन में यातनाएं तभी शुरू होती हैं जब हमने अपने आप को उससे पृथक कर लिया। तो अष्टवक्र की गीता बल देती है कि आप द्वैतवाद यानी भेद को पूर्णतया दूर कर दें।